सो नेक्स्ट वीडियो इज़ हियर। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि आरव की मम्मा उसको बुलाती हैं और वो उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता है क्योंकि वो बहुत हाई म्यूज़िक में हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहा होता है हेडफोन्स पर। तो उसकी मम्मा गिर जाती है और उनके चोट लग जाती है, उनको ब्लीडिंग होने लगती है। वो उसको बुलाती हैं आरव को, पर आरव नहीं सुनता है। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। शी कैप्ट ऑन शाउटिंग फॉर हेल्प एंड स्लोली स्लोली बिकम अनकॉन्शियस। वो हेल्प के लिए चिल्लाती हैं और धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाती हैं। अनकॉन्शियस का मीन होता है बेहोश हो जाना। जस्ट एट दैट मोमेंट मिस्टर अनंत अराइव्ड एट होम। और उसी वक्त जो मिस्टर अनंत यानी कि आरव के जो फादर हैं वो घर आ जाते हैं। एज ही सॉ हिज वाइफ इन सच अ कंडीशन, वो अपनी वाइफ को इस कंडीशन में देखते हैं, हिज फेस टर्न पेल और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, यानी कि घबरा जाते हैं वो, या फिर कह सकते हैं ना, जब कोई घबरा जाता है तो उसका चेहरा थोड़ा सा पीला या सफ़ेद पड़ जाता है। ही शाउटेड टू कॉल आरव, और उसके जो मिस्टर अनंत हैं वो भी आरव को बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, बट ऑल इन वेन। सारी चीज़ें बेकार थी क्योंकि आरव वॉज बिजी इन वॉकिंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। क्योंकि आरव तो टहल रहा था और गाने सुन रहा था, वो वहाँ पर बिजी था, उसके पास कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। ऑल द नेबर्स गैदर एट आरव्स होम हाउस, सारे पड़ोसी आरव के घर पर इकट्ठे हो चुके थे। अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड एंड ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू मिसेस स्मिता इमिडिएटली, और डॉक्टर को भी बुला लिया गया था और मिसेस स्मिता को इमिडिएटली ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब कि उनको तुरंत उनका इलाज किया गया। वैन द डॉक्टर वॉज वेन द डॉक्टर वॉज लीविंग आरव केम डाउन टैपिंग हिज फीट ऑन स्टेयर्स, ही सॉ द फ्लोर ड्रेंस्ड विथ ब्लड। जब डॉक्टर जा चुके थे डॉक्टर, तो उसके बाद आरव नीचे आता है टैपिंग हिज फीट ऑन द स्टेयर्स, जीनों पर अपने पैरों की टैपिंग करते हुए, लाइक टप टप ऐसे करके, आप बच्चे लोग उतरते हैं तो टैपिंग करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ही सॉ द फ्लोर ड्रेंस्ड विद ब्लड, वो देखता है कि जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, वो खून से सनी हुई है। ही बिकम वरिड एंड रन इन टू हिज फादर्स रूम, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, लाइक घबरा जाता है और दौड़ के अपने फादर के रूम में जाता है। ही सॉ हिज मदर लाइंग ऑन द बेड हैविंग एन इंजरी ऑन हर हेड एंड हिज फादर सिटिंग बिसाइड हर। वो देखता है कि उसकी माँ जो है वो बेड पर लेटी हुई हैं और उनके सिर में चोट लगी हुई है, और उनके फादर जो हैं आरव के, वो उनकी मम्मा के बगल में बैठे हुए हैं। ही शाउट्स लाउडली विथ फियर, वो डर के साथ बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जो आरव है वो घबरा जाता है अपनी मम्मा को ऐसे देखकर, वो ज़ोर से चिल्लाता है। क्राइड अलॉट, बहुत रोता है। रेन टॉवर्ड हिज मदर एंड टोल्ड होल्ड हर टाइटली, वो अपनी माँ के पास भाग कर जाता है और उनको बहुत ज़ोर से, मतलब होल्ड पकड़ लेता है। ही कैप्ट ऑन क्राइंग बिटरली, वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। हिज फादर वॉज वॉचिंग हिम विथ एंगर, उसके फादर मिस्टर अनंत बहुत गुस्से में आरव को देख रहे होते हैं। ही थॉट टू गिव पनिशमेंट टू आरव, वो आरव को पनिशमेंट देने के बारे में सोच रहे होते हैं कि आज आरव को पनिशमेंट दी जाएगी। बट ही नोटिस दैट आरव इज़ कम्प्लीटली अपसेट, वो देखते हैं कि जो आरव है वो बुरी तरीके से डर चुका है, बहुत ज़्यादा उदास हो चुका है अपनी मम्मा की कंडीशन को देख कर। तो जो मिस्टर अनंत थे, मिस्टर अनंत ड्रॉप्ड द आइडिया टू पनिश हिम, वो जो मिस्टर अनंत थे उन्होंने अपना जो आइडिया था जिसमें वो आरव को पनिशमेंट देना चाह रहे थे, वो ड्रॉप्ड कर देते, मतलब कि छोड़ देते हैं, वो अब उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। बट ही कॉल्ड आरव एंड मेड हिम अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक, वो पर आरव को बुलाते हैं और उसे उसकी गलती बताते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से आरव लेफ्ट हिज बैड हैबिट ऑफ़ यूजिंग हेडफोन्स, आरव अपने हेडफोन को यूज़ करने की जो हैबिट थी उसको छोड़ देता है। इट इज़ राइटली सेड वी शुड यूज़ द टेक्नोलॉजी वाइसली, तो सही कहा गया है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ है, तो ये स्टोरी आप लोगों ने देख ली और इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना बहुत नुकसानदायक होता है। तो जो टेक्नोलॉजी है हमें उसका भी यूज़ बहुत आराम से करना चाहिए, बहुत वाइसली, समझदारी के साथ करना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग भी अगर हेडफोन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो हमारे ईयर्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जब हम बहुत ज़्यादा हाई म्यूज़िक में, हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसका असर बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग पे और कानों पे पड़ता है। और दूसरा, कुछ भी हमारे आसपास हो तो हमें पता नहीं चल सकता है, तो हमें अवेयर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। सो बाय बाय, अच्छे से इस चीज़ को समझें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।